कांग्रेस के नए अध्यक्ष जो कि आज अपनी पहली बैठक लेने जा रहे हैं, ऐसे में हम मौजूद हैं पीसीसी कार्यालय पर जहां उनसे जाते हैं कुछ खास बातें। सर, एक बड़ी जिम्मेदारी आपको दी गई है और उसके साथ साथ ही यूथ का एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहता है, तो क्या नवाचार आपकी अध्यक्षता में देखने को मिलते हैं? देखो, आज लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर न्याय यात्रा और न्याय 2024 आज प्रदेश कार्यकारिणी की मीटिंग रखी गई है। समस्त जिलाध्यक्ष, जिला उपाध्यक्षगण, प्रदेश कार्यकारिणी, विधानसभा अध्यक्षगण को आज मीटिंग में बुलाया गया है और जिस प्रकार से नई जिम्मेदारी एक कांटों का ताज है, कांग्रेस पार्टी ने यूथ कांग्रेस एनएसयूए के कार्यकर्ताओं को जिसने ईमानदारी से काम किया है, मेहनत से काम किया है, विभिन्न पदों पर कांग्रेस पार्टी ने पहुंचाने का काम किया है। आज न्याय 2024 जो मीटिंग है, लोकसभा जो 15 लोकसभा यूथ कांग्रेस को दी है, उसके अंदर विधानसभा, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर, ब्लॉक कमेटी, ग्राम और वार्ड कमेटी गठित करके वहां पर कांग्रेस के घोषणाओं को हर घर पहुंचाना और कांग्रेस के विचारधारा और नीतियों को हर घर पहुंचाकर लोकसभा के अंदर राजस्थान का लोकसभा का रिजल्ट अच्छा रहे, परिणाम अच्छे रहे, उसी को लेकर आज की सभा मीटिंग रखी गई है। एक बड़ी जिम्मेदारी है कि यूथ को आगे लेकर के चलना है, ऐसे में शहरी क्षेत्रों में सभी लगे रहते हैं, ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं के लिए अब क्या खास नया आपकी तरफ से होने वाला? देखो, यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई से निकला हुआ छात्र, यूथ कांग्रेस का साथी ग्रामीण परिवेश से ही आता है। हम लोग ग्रामीण परिवेश से आए हैं। राहुल गांधी जी की सोच थी कि सामान्य गरीब किसान के परिवार के लड़के किस प्रकार राजनीति के अग्रिम पंक्ति में बैठ सकते हैं, उसी सोच के अनुसार आज समस्त जो विधानसभा अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्षगण हैं, सब चुनाव जीत कर आए हैं और ग्रामीण परिवेश से आते हैं। तो बिल्कुल ग्रामीण जो युवा है, घर पर जाना, गांव की वार्ड की गठित करना, इस प्रकार से आज का आयोजन रखा गया है। ये थे हमारे साथ प्रदेश युवा कांग्रेस के नवनियुक्त अध्यक्ष अभिमन्यु पूनिया, जिनसे हमने जानी कुछ खास बातें। कैमरामैन हेमंत शर्मा के साथ गौरव गौड़, सच बेधड़क, जयपुर।